तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं, ऐसे तो हम लोग हाईवे पे हैं और हम लोग जा रहे हैं SKVM स्कूल पे, और मैं आपको वहाँ का ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। हमारे साथ अरमान भाई, पचरुखिया के जमींदार, जिनका बहुत सारा जमीन है, और ये अंसारी साहब है, ऐसे तो सब जानता है, और ये अरमान भाई, इनका कम से कम 1,000 बीघा जमीन है। मैं आपको लौंडे के खुशी देखो, अरमान भाई इनका इनकी दादी पचरुखिया की ये क्या ना विधायक है, MLA है। माय ग्रैंड मदर इज पचरुखिया का, पचरुखिया विलेज MLA। ये भोसड़ी का कुछ दिन से इंग्लिश का कोचिंग कर रहा है ना, इसीलिए बहुत इंग्लिश कुछ दिन से कर रहा है ना, इंग्लिश बहुत झाड़ रहा है भोसड़ी के। एक इसका अनहर मास्टर है और ये यहाँ पे इनका अब्बा जो है ना, बहुत बड़े का कपड़ा जो व्यापारी है, और इनकी दादी वहाँ के MLA, और इनका जमीन बहुत ज्यादा है, 1,500 बीघा जमीन होगा यहाँ पे उनका। और इनका बुआ का लड़का है ना पायलट है। और मैं आपको पीछे का सीन दिखा रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं अभी रोड पे हैं हाईवे, और मैं लेके चल रहा हूँ आपको इसके भी स्कूल। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, मैं बहुत मेहनत करता हूँ गाइस आपके लिए, प्लीज गाइस आप हाथ जोड़ के नहीं जाना गाइस, मेरा वीडियो देखा कीजिए गाइस, स्किप मत कीजिए गाइस। तो फ्रेंड, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं इसके भी स्कूल पे, और इधर से हम लोग आए इस रास्ते से, हम लोग यहाँ से उसी का रास्ता, ये हाईवे बहुत बड़ा, इधर रास्ते से आए हैं, और ये आगे इसके भी हम, और ये रास्ता जो है ना बाज़ार में चला जाता है, और हम लोग चलते हैं सीधे स्कूल पे, और मैं आपको दिखाऊंगा पूरा सीन पूरा भीतर का। और हम लोग अभी चल रहे हैं, देखिए, और ये इसके भी स्कूल इतना बड़ा है कि ऐसे भी यहाँ पे कितने बीघा का होगा, लगभग 60 बीघे का, 52 बीघे का इसका ये है, जितने का होगा 52-60 बीघे का होगा पूरा। ये फील्ड है इधर का, ये इधर का थोड़ा पानी लगा हुआ है, इधर से रोड का इसमें माटी निकाल लिया गया इसीलिए पानी लगा है, और मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ वहाँ पे आगे। और ये स्कूल इतना बड़ा है कि यहाँ के बच्चे, इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में, और इस स्कूल में लगभग 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ रहे होंगे। और इधर ये देखिए आगे वहाँ पे गेट है आगे, और मैं लेकर चल रहा हूँ आपके वहाँ पे, और ये फील्ड है, इधर पानी लगा हुआ है, इधर पूरा पानी लगा हुआ है, ऐसे जब पानी सूखता है तो इसमें ये खेल फुटबॉल वाल होता है। और ये डिग्री कॉलेज है जिसमें लड़की और कुछ लड़की ज़्यादा पढ़ती है, लड़के एक आध दो जो 12 के बाद MA BSc जो करते हैं इसी में करते हैं। और ये डिग्री कॉलेज, ये देखिए SKVM डिग्री कॉलेज दिल्ला नगर गाजीपुर, और मैं इंटर कॉलेज में अपने जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसमें लेकर चल रहे हैं मैं आपको। और इसमें से तो मैं तो निकल गया हूँ, मैं आया था घूमने के लिए, ऐसे मैं इसमें 12 पढ़ के निकल चुका हूँ। और ये देखिए इसके ये गेट है इसका मेन द्वार, और मैं लेकर चल रहा हूँ आपको भीतर। और ये देखिए अभी सुबह का 7 बज रहे हैं अभी, और हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए आगे चपरासी है यहीं गेट उट खोलता है, और इनका नाम शमशाद चाचा और ये देखिए अभी सुबह का 7 बज रहे हैं, और ये यहीं पे हम लोग जा रहे हैं अभी भीतर, मैं आपको पूरा। और ये देखिए ये स्टॉप ऑफिस है, इसमें जितने आते हैं स्टॉप इसमें बैठते हैं, स्टॉप ऑफिस है, जितने टीचर लोग इसी में बैठते हैं। और मैं आपको स्कूल, ये देखिए ये कितना बड़ा स्कूल है, और ये स्कूल बहुत फेमस है इसमें का, तो बच्चे जो इसमें ऐसा है कि पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, और इसमें जो जैसे पढ़ ले इसमें बहुत पढ़ाई अच्छा है, और इसमें घूमा भी जाता है बहुत ज़्यादा, इसमें उतना रोक छोक नहीं है जितना आप लोग घूमें ही करें, इसमें कोई ही नहीं है। और ये स्कूल इतने इसमें के बच्चे बहुत पढ़ लिख कर बहुत ये बन गया, जो पढ़ता नहीं है वो अपना समझे, और इसमें पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। ये स्कूल इतना बड़ा है ना, और इसका रूम मैं आपको क्लास के रूम भी दिखा दूँगा कितना बड़ा बड़ा है, और आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं आपको अभी लेकर आगे चलता हूँ। और इसमें एक इंडिया गेट है इसके पीछे है, और जो बच्चे भागते हैं ना इसके पीछे इंडिया गेट में चले जाते हैं, इधर से हम लोग आए हैं। और ये देखिए ये क्लासरूम है, आप लोग देख ही रहे होंगे, ये देखिए हाल है इधर, और उधर भी ये देखिए क्लास, ये क्लास आप लोग देख ही रहे होंगे। और मैं आपको पूरा स्कूल, ये देखिए पूरा हर क्लास में, एक क्लास में नहीं ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा। ये रूम नंबर 25 है, और आगे 24 होगा, ये 24 है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं देखिए कितना बड़ा है, आपको मैं पूरा घूम कर दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप लोग देख ही रहे होंगे। और ये स्कूल उसिया का ही है, और दिल्ला नगर में थोड़ा थोड़ा होता है, ये सब उसिया का स्कूल है, उसिया गाँव आप लोग जानते होंगे, हम लोग का उसिया गाँव है, और ये उसिया में पूरा स्कूल आता है, और बस इसमें दिलदार नगर का ये नाम आता है इसमें।
तो हम लोग इधर आ चुके हैं। और अब हम लोग ये देखिए इधर वाला ये वाला, अरे भाई इसमें पहले गेट तो नहीं था, इसमें पहले गेट, इसमें का जो गेट लगता है ना बच्चे इसमें का तोड़कर लोहा का गेट होता है और ये ले जाकर बेच देते हैं। और ये देखिए इस पर कलाकारी किया गया है। और ये देखिए पंखा को पंखा को तीर्ण कर दिए हैं, इसमें यही सब होता है। और आप लोग देखेंगे हर क्लास में किसी का पंखा चोरी हो जाता है, इसमें का क्या करते हैं कि पंखा चोरा कर लेकर बेच देते हैं, इसमें गेट निकाल कर। ये देखिए पंखा, आप लोग देखेंगे ये देखिए पंखा को सब तीर्ण मिड़ कर दिए हैं। और इसमें का ये देखिए आप लोहा गेट फिर से लगा हुआ है। और ये क्या करेंगे, ये जैसे फिर से लगा तोड़ देंगे इसमें का गेट। और ये देखिए अभी बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, इसमें इतने बच्चे होंगे कि यहाँ पे जगह नहीं रहता, इतना ये होता है। और ये देखिए सबसे लास्ट वाला क्लास ये है, और इधर से नहीं, इधर से फर्स्ट है, उधर से लास्ट, वो पलटा से जानते आपको दिखा रहा हूँ, उधर से वो सबसे लास्ट क्लास है, उधर से। और ये देखिए ये पीछे ये पूरा इसे बगीचा टाइप का है, और इसके पीछे आपको इंडिया गेट के बाहर भी ले जाऊँगा। और जो बच्चे भागते हैं इसमें से ना इंडिया गेट के बाहर जाते हैं। और मैं आपको ये देखिए रूम नंबर 1 है क्लास नंबर, और ऐसे ऐसे लेकर जा रहा हूँ मैं आपको।